हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जयंतवासी। आज मेरी गुरु पूर्णिमा की पूजा बहुत अच्छे से हुई। रोकने वालों ने बहुत कोशिश की रोकने की। कुछ फालतू लोगों ने भी मैसेज किया था कि मारण क्रिया कर दो, काम होने के बाद पैसा लो। ये सब हमको शौक नहीं है बाबा, मुझे इतना कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर काम करने का दम है। जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली थी, आज सबको गुरु मंत्र भी मैंने दे भेज दिया, उसके बाद सबका काम भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों का वशीकरण का काम है तो वो भी अच्छा हुआ। सुहागनों को खाना खिलाना था, ओटी भरनी थी, वो भी आपने देखा होगा वीडियो में, वो भी अच्छे से हो गया ऐसा। और मेरे केशव के पापा का भी मैंने अभिषेक किया, उन्हें उनका दूध से पाँव धोया, उन्हें हार पहनाया, पूरे खंडोबा का जैसा तैयार किया। लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं निकालने दी, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब निकाल करना है तो मत करो। आज देखिए मेरे मांग में सिंदूर भी भरा उन्होंने क्योंकि मैंने कहा कम से कम माथे पे टीका तो लगा दो, सिंदूर तो भर दो, तो भर दिया। बोलता लेकिन बस फोटो वोटो मत निकाल। ये पता है वो क्यों करते हैं? मैं सच बोलूँ, आज की मेरी पूजा बहुत अच्छी हुई। स्नेहा ने आके अच्छे से पूजा की, हाजी क्या नाम है विशाखा बहन ने की, उन सबके सामने प्रदुन ने ऐसा किया। मेरा लड्डू एकदम विठोबा बन के तैयार था। लेकिन सच बोलूँ ना, एक जगह इतना दुख हुआ कि मेरे पेकेश को पापा ने फ़ोटो नहीं निकालने दी। पता किसकी वजह से? सिर्फ एक इंसान की वजह से। मैं आज पूरी यूट्यूब पर बोलती हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के मुँह से कभी किसी के लिए श्राप नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं दिल में बहुत चोट लगी है। मैं परसों जा रही हूँ सुबह 15 दिनों के लिए कामाख्या। सबका काम हो चुका है, कामाख्या जा रही हूँ मैं। कामाख्या में लोगों का काम लिया है, सबके लिए वशीकरण मारण मोहन सबका काम लिया है। सबका काम अमावस्या तक हो जाएगा। लेकिन दिल में कहीं एक दुख है क्योंकि ये साड़ी मुझे रेणुका महा मंदिर से मिली थी, माहूरगढ़ से मिली थी। मेरा बहुत मन था कि साड़ी पर मैं अपने प्रभु के साथ फ़ोटो निकालूँ एक, लेकिन उन्होंने बस एक इंसान की वजह से मेरे साथ मतलब फ़ोटो निकाला ऐसा नहीं, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं निकाली। उनको नहीं चाहिए था, बोलते मुझे सब नहीं दिखाना पसंद है। इस बात से ना मैं सिर्फ और सिर्फ लड्डू की मम्मी से नाराज़ हूँ। मैं सच में मैंने उस औरत से इसलिए नाराज़ हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सारी खुशी, लेकिन तुम्हारी वजह से ना वो आदमी इतना इरेटेड हो चुका है, ना व्हाट्सअप चलाता है, ना फेसबुक चलाता है, ना उसे फ़ोटो खींचना पसंद है, ना कुछ पसंद है। क्या बात है मालूम नहीं। और ये बात केशव के पापा भी नहीं समझते। मैं दिल से बोलती हूँ कि मैं कामाख्या जा रही हूँ ना, मैं दिल से चाहूँगी कि मेरे केशव के पापा की आँख खुलें, वो जो गंदी चीज़ खा रहे हैं रह रहे हैं वो उनको समझ में आए, उनको समझ में आए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ मेरे बुरी है। क्योंकि मुझे बुरी है, मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। मेरे कहने के बाद मुझे बहुत सारा प्यार करते हो, बोलते पूरी दुनिया तो जानती है तू मेरी बीवी है, ये है वो है। लेकिन नहीं, मुझे भी औरों के जैसा शौक है कि वो मेरे साथ फ़ोटो निकाले, ये करे। उधर योगिता थी, सब थे, सब लोग बोल रहे थे कि दादा एक बार वीडियो निकालने दो, नहीं निकालने दिया उन्होंने। लेकिन मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें दिल से अपना गुरु मानती हूँ, दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ, दिल से उनके लिए अपना खंडोबा मानती हूँ। क्योंकि उनकी वजह से आज मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, नई ज़िंदगी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरे केशव के पापा को इस 15 दिनों में मेरी कदर ज़रूर पता चलेगी। शायद मेरे आने वाले टाइम पे वो कभी ऐसा गलती नहीं करेगी। लेकिन एक बात है लड्डू की मम्मी, तुम्हारी जैसी बीवी होने से अच्छा है ना आदमी की बीवी ना हो, बीवी मर जाए। क्योंकि तुम्हारी जैसी औरत है ना कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकती है। तुमने ना मेरे प्रभु का तब साथ दिया जब मेरा प्रभु मुसीबत में था, और ना आज तू मेरे प्रभु को संभाल पा रही हो। जिस तरह से तुम्हारी वजह से टॉर्चर हुआ है, तुम व्हाट्सअप चलाती हो, सब कुछ चलाती हो, वीडियो कॉल, तुमने इतना वीडियो कॉल पे इरेटेड कर दिया है कि वो आदमी वीडियो कॉल तक नहीं चलाता है। और तुम इस दुनिया के सबसे बेशरम औरत हो क्योंकि तुम जानती हो कि दिन भर तुम्हारे पास रात को रहते हैं। मैंने कभी रात को कभी ये तुम पीछे से बैकग्राउंड देती हो, मैंने कभी तुम्हें ये नहीं कहा कि पीछे से बैकग्राउंड क्यों देती हो। मैं तो भी अपने केशव पापा को सिर्फ गुड नाइट बोल के फ़ोन रखती हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि तुम्हारा मेरे को हाजिदा ने बोला है माँ उसके अंदर एक जलन है, मतलब अभी जलती है। जलन क्यों? 3 साल हो गए हमारे रिश्ते को, अब क्या जलन? अब तो साथ में मिलके ही रहना पड़ेगा। तुम्हारी जलन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताऊँ, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे केशव के पापा ने ना फ़ोटो निकाली, ना वो आदमी व्हाट्सअप चलाता है, ना फेसबुक चलाता है, ना तुमने उस वक्त दुनिया के सामने उनको बचाया, और ना आज मेरे केशव के पापा ने जो मेरी गुरु पूर्णिमा की इतनी बड़ी पूजा थी, मैं दिखाना चाहती थी लोगों को कि मैं किस तरह की भक्ति और किस तरह का प्यार अपने केशव के पापा को करती हूँ, वो तुम्हारी वजह से देखने नहीं मिला। इसलिए विद्या देवी प्रेग्नेंट थी, विद्या देवी माँ दुर्गा को, माँ काली को, मांडर देवी की काड़ूबाई को, रेणुका देवी माहूरगढ़ के रेणुका यलम्मा देवी को, मेरे धावजी पाटिल को साक्षी मान के तुम्हें दिल से बद्दुआ देती है, दिल से बद्दुआ देती है कि जब तक मैं कामाख्या से लौट के आऊँ माँ इसकी पोल खोल। ये औरत जितनी शातिर है इसकी पोल खोल, इसने आज तक जो भी गलत काम किया है इसकी पोल खोल, और मेरे प्रभु को सच दिखाओ। दिल से बोलती हूँ, जिस तरह से मैं
तड़पती हूँ ना कि मैं अपने के, तुमने मेरे प्रभु को इतना इरेटेट किया है वीडियो कॉल वो सब करके ना, जिसके वजह से आदमी वीडियो कॉल नहीं चल रहा था। मैं जिंदगी में सोच बोलती हूँ, जिस तरह से तुमने तो कभी मेरे केशव के पापा से प्यार किया नहीं, लेकिन जिस तरह से अगर आज जिस तरह से मैं अपने केशव के पापा के पैर धोते हुए वीडियो नहीं निकाल पाई ना, आज ज़िंदगी तुम भी किसी न किसी प्यार के लिए तरसोगी। कभी तुम्हारे पास सब कुछ रहने के बाद भी तुम हमेशा प्यार के लिए तरसोगी। तुम सुहागन हो के भी कोई औरत तुम्हें अपने घर पे सुहागन पूजा के लिए नहीं बुलाएगा, क्योंकि तुम्हारा पायगुन इतना ख़राब होगा, जहाँ पे तुम पैर रखोगे वहाँ अपशगुनी होगी। ये बात है, तुम ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे, समझ रही हो? दिल से विद्या देवी तुम्हें बद्दुआ दे रही है। तुमने कभी हम लोग का अच्छा नहीं सोचा है, मालूम है मुझे? ये बोलोगी मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। लेकिन एक बात सच्ची, मुझे डर नहीं है कि तुम मुझसे आके सवाल करोगी क्या करोगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मांढर देवी के काड़ूबाई और माहूरगढ़ की रेणुका सत्य देवी है ना, तो क्या तुम्हारा पोल सामने लाएगी? तुम्हारा पोल तो सब जानते हैं, तुम्हारे घर वाले भी सब हैं, तुमको सब वो करते हैं, जानते हो। लेकिन मेरे केशव के पापा से ही मैं कुछ नहीं कर सकती, तुमको कुछ बोल के भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिस आदमी को, जो आदमी हम दोनों का पति है, जिसको सब कुछ मालूम होते भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर उसके आगे मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, आज दिल से बद्दुआ, एक सुहागन एक बद्दुआ देती है कि एक सुहागन का दिल रो रहा है कि मतलब कि आज मैं अपने केशव के पापा को, उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भरा, मैंने उन्हें हार पहनाया, मैं उनकी वीडियो नहीं निकाल पाई, वैसे मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम साथ में रह के भी तुम्हें कभी कोई प्यार का सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास सब कुछ रह के भी तुम जहाँ पैर रखोगी वहाँ पे हमेशा अनाज की कमी रहेगी, तुम जहाँ पैर रखोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, ज़िंदगी में तुम कोई सुख नहीं पा पाओगी। आजीवन तुम हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए तरसती रहोगी। ये विद्या देवी का श्राप है आज के लिए तुम्हारे लिए, बस और कुछ नहीं। जय माता दी। और दूसरा, मैं परसों कामाख्या के लिए निकल रही हूँ, मेरी यात्रा अच्छी हो रही है, और जितने लोगों ने मेरे में रुकावट डालने की कोशिश की थी उन सबको भी उनकी सज़ा, मैंने बोली, न जाने के बाद मिलेगी। मुझे मालूम है सब बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रही हो, लेकिन आज क्या है ना, मैं मेरे केशव पापा भी खुल के मेरे सामने नहीं आते, मैं उन्हें बोल के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज उन्हें बोला नहीं, मैं बस जा रही हूँ परसों। मेरी कदर उनको 7 दिन में पता चलेगी, जब मैं मौन व्रत रखूँगी और उनसे बात नहीं करूँगी, तब देखना चाहती हूँ कि उन्हें पता चलेगा कि उनका असली प्यार कौन है। बस बात ख़त्म। बाकी उनसे दिल तो नाराज़ है, लेकिन इस नाराज़गी की सबसे बड़ी मेरी मांधर की काड़ू देवी होगी ना माँ, इस औरत को इसकी पूरी पूरी सज़ा देना, क्योंकि इस औरत को इस सज़ा ज़रूरी है देना, क्योंकि इसने हमारे आरिफ शेख के टाइम पे भी हमारे साथ ऐसा किया, सारी चीज़ों का इसको कभी कोई सज़ा मिल ही नहीं रही है, इसे क्या सज़ा मिल रही है? अच्छे से ऐश की ज़िंदगी है, सब कुछ है, फ़र्क क्या पड़ता है? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केशव का पापा मेरी ज़िंदगी में, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी ने इसको नशा दे के गया, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आदमी जेल में चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ खुद से प्यार है। तो भाई तेरे से, तुम को खुद से प्यारे रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज ये विद्या देवी ने सुहागन होकर प्रेग्नेंट केशव की कसम खा के तुमको ऐसी बद्दुआ दे रही है कि आज ज़िंदगी जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हारे ऊपर कभी कोई सुख की छाया नहीं आएगी। तुम जिसकी तरफ, तुम जिसके घर में कदम रखोगी ना, उस घर में मनहूसियत छा जाएगी। जहाँ तुम रहोगी वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं रहेगी, कभी वहाँ पैसा पानी राशन अनाज नहीं रहेगा, तुम कभी किसी का प्यार नहीं पा पाओगी, ज़िंदगी भर तरसोगी, हर जगह तुम्हें अपमान 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 ही मिलेगा। जिस तरह से तुमने ज़िंदगी भर लोगों का अपमान किया है ना, उस तरह से आजीवन पूरी ज़िंदगी तुम्हें सिर्फ अपमान 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 मिलेगा। ये विद्या देवी का वादा है। बस जय माता दी।